फाइलेरिया उन्मूलन अभियान पर आधारित आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि मच्छर के कारण कई सारे रोग होते हैं और उनमें से एक है फाइलेरिया, जो हमारे झारखंड में कई व्यक्तियों के बीच देखा जाता है। तो और इससे बचाव के लिए सालों भर सरकार के द्वारा अभियान चलाए जाते हैं, कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो आज हम उन सारी बातों की जानकारी आपको देने जा रहे हैं। तो आपको बता दें, आज विशेषज्ञ के रूप में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है, आप देख रहे हैं मेरी दाईं ओर हैं डॉक्टर बीरेंद्र कुमार सिंह, जो कि राज्य मलेरिया पदाधिकारी हैं वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। और मेरी बाई ओर आप देख रहे हैं नीलम कुमार हैं, जो कि राज्य सलाहकार हैं आईएसी वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम। तो नीलम, आपका भी हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। इससे पहले कि हम फाइलेरिया उन्मूलन के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, यूँ तो सालों भर चलाए जाते हैं, तो विशेष अभियान की बात करें, सर आपसे हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये फाइलेरिया क्या है और ये कैसे होता है, कैसे इसका फैलाव होता है? फाइलेरिया एक परजीवी से होने वाला रोग है जो क्यूलेक्स नामक मच्छर के काटने से फैलता है। जब एक संक्रमित मच्छर स्वस्थ आदमी को काटता है तो अपने साथ साथ इसका कीड़ा जो है मनुष्य के शरीर में छोड़ देता है, जो बाद में उसे फाइलेरिया से ग्रसित कर देता है। और जिसे फाइलेरिया बीमारी को हम लोग सामान्यतः हाथी पाँव के नाम से भी जानते हैं, जी। जिसमें एक पैर जो काफ़ी फूल करके हाथी के पाँव की तरह मोटा ये हो जाता है। जी जी जी। तो ये तो जब हम लक्षण की बात करते हैं तो ये हाथी पाँव भी इसको कहते हैं, पैर मोटा हो जाता है। नीलम, लेकिन इसी को आगे बढ़ाते हुए आपसे हम जानना चाहेंगे कि इसका संक्रमण जो है वो कैसे होता है, कैसे ये बहुत ज़्यादा लोगों में इसका फैलाव हो जाता है? ये ऐसा है राजश्री, कि जैसा कि सर ने कहा कि जब एक संक्रमित मच्छर संक्रमित कब होता है, जब वो किसी फाइलेरिया पेशेंट को काटता है, तो मच्छर के अंदर भी फाइलेरिया के कीटाणु आ जाते हैं जो उसके अंदर बढ़ते जाते हैं और मच्छर संक्रमित हो जाता है। यही मच्छर जब दूसरे व्यक्ति को काटता है तब उसके अंदर भी फाइलेरिया के कीटाणु छोड़ देता है। लेकिन यहाँ एक ये बात ध्यान देने वाली है कि एक बार की बाइट में, एक बार काटने से मच्छर, तो वो फाइलेरिया का संक्रमण व्यक्ति में नहीं पहुंचता है। अच्छा। कई सौ बार, लगभग 400-500 बार अगर किसी संक्रमित मच्छर ने किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटा हो तब वो व्यक्ति फाइलेरिया से संक्रमित हो जाता है। और इस तरह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, जैसे मच्छर से आदमी और आदमी से मच्छर, इस तरह से ये फाइलेरिया जो का संक्रमण फैलता है, लेकिन ये बहुत जल्दी महामारी का रूप नहीं लेता है। बिल्कुल। और जो नीलम आपने कहा कि कई बार के काटने से ये फाइलेरिया होता है, इसका मतलब हमारे दर्शक ये बिल्कुल ना समझें कि हमें मतलब मच्छरों से बिल्कुल बचाव नहीं रखना है, एक बार ही काटा है, दो बार ही काटा है, ऐसा नहीं रखना है। बिल्कुल, अपने आप ही नहीं पाते हैं कि हमें कितनी बार मच्छर, कितने बार मच्छर ने काटा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ये सर आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार जब संक्रमित मच्छर ने काटा किसी व्यक्ति को, तो कितने दिनों के बाद उसके लक्षण उभर कर आते हैं, और प्रारंभिक लक्षणों की बात करें तो वो किस तरह के होते हैं? प्रारंभिक लक्षण इसमें होते हैं कि सर दर्द, बुखार, बदन दर्द, पेट में और पैरों में दर्द होता है, और शरीर के कुछ भागों में गिल्टी जैसा निकल सकता है। सामान्यतः यह जो है इंग्वाइनल रीजन में होता है, गांठ में होता है, तो यहाँ के लिम्फ नोड जो हैं वो फूल जाते हैं और गांठ जैसा बना देते हैं। ये प्रारंभिक लक्षण जी जी जी। प्रारंभिक लक्षण के बाद जब मरीज को 8 से 10 वर्षों के उपरांत जो है वो हाथी पांव या विरूपता जो है वो 10 वर्षों के पश्चात ही आती है। जी जी। इस दौरान सामान्यतः व्यक्ति स्वस्थ होता है और डॉक्टर के पास जाने के लिए किसी व्यक्ति को तब बाध्य होता है जब उसे कोई गंभीर लक्षण आए। तो सामान्यतः फाइलेरिया के मरीजों में गंभीर लक्षण नहीं आते, जैसे बहुत तेज दर्द हो, बहुत तेज बुखार हो या कोई ऐसी तकलीफ हो जो उसको अपने डेली काम करने से रोक सके। इस ढंग के लक्षण सामान्यतः नहीं होते और वो स्वस्थ रहते हैं, तो इसलिए डॉक्टर के पास सलाह लेने के लिए भी नहीं जाते और उनका इलाज भी नहीं हो पाता जी, है जी, और समाज में इस बीमारी के फैलाने में उनका योगदान हमेशा बना रहता है। तो सर, ये जो संक्रमण है, प्रारंभिक लक्षण, वो एक मच्छर ने अगर काटा है तो कितने दिनों के बाद ये दिखाई देते हैं?
ये 6 से 8 महीना के बाद जो है प्रारंभिक लक्षण आते हैं, जैसे शरीर में गिल्टी बन जाना, सरदर्द, बुखार, और कभी कभी देखते होंगे कि एक लाल धारी जैसा पूरा बन जाता है या एक मसल जो है थोड़ा सा सूजा जैसा लगता है, ये जो है प्रारंभिक लक्षण है। इस दौरान व्यक्ति में कोई विकलांगता या विरूपता नहीं आती, लेकिन जब वो यही बीमारी बिना इलाज के अनदेखा करते हैं, लापरवाही बरतते हैं, तो 8 से 10 वर्षों के उपरांत फिर हाथी पांव या हाथ में सूजन हो जाता है, फिर ब्रेस्ट में सूजन हो सकता है, जननांगों में सूजन हो सकता है, हाइड्रोसील हो सकता है। जी बिल्कुल, कहने का मतलब है कि नीलम, अगर प्रारंभिक लक्षण जब आए तो एक तो पहला तो मच्छरों से बचना है हमें, काटने से वो तो है ही है, लेकिन अगर किसी कारणवश काट ही लिया और संक्रमण हो गया तो अगर शुरुआती लक्षणों पर ही काबू पा लिया जाए, डॉक्टर को दिखा लिया जाए, तो ये जो आगे चलकर हाथी पाँव जैसी समस्या हो जाती है वो नहीं होगा, है ना? बिल्कुल। और मैं ये बताना चाहूँगी कि जब प्रारंभिक लक्षण है उस समय ये ठीक भी हो सकता है, हाँ, अगर समय पर ध्यान दिया जाए, लेकिन कई बार जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि हमें फाइलेरिया का संक्रमण है, ये तब पता चलता है जब उसकी विरूपता आनी शुरू हो जाती है। तो प्रारंभिक चरण में अगर इसका हम उपचार करें तो ये ठीक हो जाता है, लेकिन अगर ये विकृति जब आने लग जाती है तब इसका उपचार संभव नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये एक अवस्था ऐसी आ जाती है लापरवाही के कारण, जब ये बिल्कुल लाइलाज हो जाता है या फिर खतरनाक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये खतरनाक हो जाता है, और फाइलेरिया से मौत कभी नहीं होती। अच्छा। लेकिन इसमें इतनी बड़ी विकृति आ जाती है शरीर में कि जिंदगी बोझ जैसी हो जाती है, फिर कोई दैनिक काम नहीं कर सकते और सामाजिक तिरस्कार का भी सामना करना पड़ता है। जी तो इस तरह की बात आती है, तो इसमें केवल क्या है ना कि उपचार तो संभव नहीं है, ये ठीक नहीं हो सकता। अच्छा। लेकिन जो फाइलेरिया प्रभावित अंग हैं उनकी देखभाल करके तकलीफों से काफ़ी कुछ हद तक तकलीफों पे काबू पाया जा सकता है, उसे कम किया जा सकता है। बिल्कुल, पता ये बहुत ही खतरनाक रूप ले लेता है सर। तो जैसे नीलम ने बताया कि लगातार अगर उपचार होता रहे तो इस पर काबू पाया जा सकता है, आगे बढ़ने से हम इसे रोक सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हद तक आगे बढ़ गया तो ये किस हद तक खतरनाक हो जाता है? क्या मतलब ऑपरेशन वगैरह की भी आवश्यकता पड़ती है या दवाओं से ठीक हो जाते हैं? हाइड्रोसिल वगैरह में तो ऑपरेशन करके ठीक किया जा सकता है, लेकिन हाथी पाँव और अन्य अंग के इन्वॉल्वमेंट के उपरांत उसका उपचार संभव नहीं हो पाता। वो जिंदगी भर अपंग बना रहता है, अपने लिए तो कुछ नहीं कर पाता, अपनी देखभाल कर पाने में भी असमर्थ हो जाता है और समाज के लिए भी वो उपयोगी नहीं रह पाता, क्योंकि शारीरिक रूप से वो विकलांग या उसमें कुरूपता जो आ जाती है इसके वजह से लोग उससे मिलना जुलना भी कम कर देते हैं और वो जो भेदभाव का शिकार हो जाता है, क्योंकि इसमें मृत्यु नहीं होती, आदमी उस अपंगता के साथ जीने के लिए अभिशापित हो जाता, बाध्य हो जाता है, उसे भी फिर तरह तरह की मानसिक अवसाद, बिल्कुल बिल्कुल, हर तरह से शारीरिक और मानसिक परेशानियां हो जाती है उस व्यक्ति को। तो इससे जाहिर सी बात है कि इससे बचने की आवश्यकता है, और बचने के लिए खुद तो अपनी जिम्मेदारी, जो जैसा हम कह रहे हैं बार बार कि भाई आप मच्छर पर अपने ना दें, मच्छरों को काटने से अपने आप को बचाएं, लेकिन सरकार के द्वारा भी लगातार इसके लिए मलेरिया उन्मूलन के लिए कई अभियान, कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, और इसी पर आज हमारा कार्यक्रम भी आधारित है। तो जानना चाहेंगे आपसे कि क्या इससे बचने के उपाय हैं सर? इससे बचने के उपाय कि सरकार साल में एक बार जो है सभी लोगों को फाइलेरिया रोधी दवाई मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के तहत चलाती है, जो राज्य में 2 चरणों में चलता है। पहला चरण 10 फरवरी से, दूसरा चरण 10 अगस्त से होता है। इस दौरान हम लोग राज्य के लगभग सभी जिलों में फाइलेरिया रोधी दवा देते हैं। अभी जो चल रहा है वो राज्य के 14 जिलों में है, और ये 10 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी तक चलेगा। पहला दिन बूथ एक्टिविटी है, उसके बाद हाउस टू हाउस एक्टिविटी है, जिसमें ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर टीम जो है उसके सदस्य हैं आशा वर्कर, जो हमारे यहाँ सहिया के नाम से जानी जाती हैं, एवं आंगनबाड़ी सेविका जो हर गाँव में हैं,
पर ये लोग जाके घर घर जाकर के लोगों को दवा खिलाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे एक बड़ी समस्या है कि लोग बाहर काम करने के लिए चले जाते हैं, वो अपने गांव में रहते नहीं हैं। तो इस कार्यक्रम के दौरान हमने यह निश्चय किया है कि वो जब भी गांव में लौट के आते हैं, यदि उन्होंने दवा नहीं खाई होगी या जिस जगह पे वो काम करने गए हैं वहाँ यह कार्यक्रम नहीं चल रहा होगा, तो काफ़ी स्वाभाविक है कि उन्हें दवा नहीं मिली होगी, तो जब भी वो गांव में लौट के आएंगे तब उस दौरान उनको दवा खिलाई जाएगी। अच्छा, यानी कि इसमें मतलब बीच में गैप हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता है, जो डोज है वो कंप्लीट करना चाहिए, साल वर्ष में कम से कम एक बार खा लेना जरूरी है। जी, तो नीलम आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? हाँ, मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि वर्ष में एक बार, अगर 5 वर्षों तक ये दवा अगर प्रति वर्ष खाई जाए जी, तो ये एकल खुराक है वर्ष का, तो फाइलेरिया पे काफी हद तक काबू पाया जा सकता है और हम फाइलेरिया से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। मतलब फाइलेरिया हो चाहे नहीं हो, उसको मतलब एक बार खा लेना है साल में। जी हाँ, जी हाँ, ये फाइलेरिया प्रिवेंशन के तौर पर है, जैसे हम फाइलेरिया का संक्रमण हमें नहीं होगा अगर हम ये दवा खाते हैं, तो हमें संक्रमित मच्छर काटने के बाद भी नहीं होगा, और ये दवा खाली पेट में नहीं खाना है। अच्छा, उम्र के अनुसार ये दवा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के द्वारा खिलाई जाती है, मतलब तो अलग अलग उम्र में या हर उम्र के लोगों को इसकी दवा दी जा सकती है? हाँ बिल्कुल, 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जाएगी, गर्भवती महिलाओं को नहीं दी जाएगी, और जो गंभीर रूप से बीमार हैं अगर बेड पे हैं तो उनको नहीं दी जाएगी ये दवा। जी 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 जी, तो ये जो जैसा कि सर आपने बताया कि कई विभिन्न ज़िलों में ये हो रहा है और कब से शुरू हो रहा है, तो लोगों को कैसे इसके बारे में, जैसे एक माध्यम तो हम हैं ही, साथ ही साथ जो प्रचार सामग्रियों की जैसे आवश्यकता पड़ती है, तो किन किन माध्यमों से लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाते हैं आप? हैंडबिल, पोस्टर, नुक्कड़ नाटक, रात्रि चौपाल, बैनर और विभिन्न जो LED ये जो होता है उसके माध्यम से भी, और कुछ कुछ प्रचार वाहन हैं जी जी जी। उसके द्वारा माइकिंग और हमारे जो कार्यकर्ता हैं जो घर घर जाते हैं, तो इस कार्यक्रम के पहले भी 2-3 बार जाते हैं गांव में और गांव के सभी लोगों को बताते हैं कि ये कार्यक्रम होने वाला है जो 10 से 25 फरवरी तक होगा, और इस दौरान उन्हें ये दवाई दी जाएगी और इस कार्य में उनका सहयोग, और यदि कोई उनके मन में धारणा या गलत बातें भ्रांतियाँ रहती हैं उसका निवारण IPC इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या सहिया जो है बातचीत के द्वारा उनका निराकरण करती है, ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं जानकारी के साथ ये दवा खाएं, मन में कोई गलत धारणा न रहे और कोई गलत बात न सोचे कि ये क्या चीज़ की दवा है, क्यों खिला रहे हैं, ये पूरी जानकारी उनको होनी चाहिए। बिल्कुल, लोग सोचते हैं कि अनावश्यक रूप से हम दवा क्यों खाएं, इसका इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, या फिर जैसे आप लोग जो MDA के तहत जो ड्रग्स दे रहे हैं, दवाएं दे रहे हैं, तो ये कोई ख़ास ग्रुप को लक्षित करके भी टारगेट है इसका? इसका जैसे मैंने बताया कि 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिला और गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को छोड़कर बाकी सबको दवा खिलाई जाती है, और 1 से 2 वर्ष के बच्चों को कृमिनाशक दवा जो हमारा अल्बेंडाजोल है वो आधी गोली पानी में घोलकर या चूर कर खिलाई जाती है ताकि कृमि का से मुक्ति मिले उन्हें। और ये इस दवा की जो साइड इफेक्ट प्रतिकूल प्रभाव की बात आपने की, तो ये प्रतिकूल प्रभाव उन्हें ही आता है जिनके अंदर फाइलेरिया के कीटाणु हो या फिर कोई और भी कारण से वो हल्के प्रतिकूल प्रभाव आते हैं, जैसे कि सर में चक्कर आना या उल्टी जैसा लगना, हल्का बुखार होना, तो कुछ देर के बाद ये ठीक भी हो जाता है। अगर ये ठीक ना हो कुछ देर के बाद, तो इसके लिए हमने एक रैपिड रेस्पॉन्स टीम का गठन किया हुआ है जो त्वरित कार्य दल के नाम से जाना जाता है। इस टीम में डॉक्टर्स रहते हैं, तो वो हमेशा सभी जगह मूव करते रहते हैं, अगर किन्हीं को प्रतिकूल प्रभाव आया तो उसका तुरंत उपचार करते हैं। और हमारी जो सहिया और आंगनबाड़ी सेविकाएं जो दवा खिला रही हैं उनके पास भी बुखार की दवा, उल्टी की दवा या फिर ORS, ये सारी चीज़ें उनके पास मौजूद हैं। अगर किसी को ऐसा हो तो वो तुरंत उनसे दवा लेकर खा भी सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 100 में 1 या 2 व्यक्ति को जिनके अंदर फाइलेरिया के कीटाणु हैं उन्हें ये प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है, और उन्हें इससे खुश होना चाहिए कि फाइलेरिया होने की संभावना उन्हें थी, जो फाइलेरिया की दवा खाने के बाद वो कीटाणु उनके शरीर में मर गए और तब ये प्रतिकूल प्रभाव उन्हें दिखाई दे रहा है। बिल्कुल,
बिल्कुल, तो इसके लिए सचेत रहना होगा और थोड़ी बहुत जो जानकारियां जो है वो हम भी आपको दे रहे हैं, ये जानकारी बिल्कुल रहनी है, जागरूकता रहनी है, तभी जो ये उन्मूलन का अभियान है वो सफल हो पाएगा। तो सर, हमारे पास जो जनसंख्या है, मैं बता दूं कि 14 जिले जो हमारे पास हैं उसमें अभी लगभग 2,17,00,000 लोगों को ये दवा खिलाए जाने का लक्ष्य है। अच्छा, तो ये दवा हम खिला रहे हैं बिल्कुल, और इस दौरान जो 10 फरवरी से शुरू हो रहा है तो उम्मीद है कि ये लक्ष्य जो है वो पूरा होगा, अधिक से अधिक लोगों का रिस्पांस इसमें मिलेगा, लोग आएंगे और ये जो कार्यक्रम है उसको सफल बनाएंगे। तो इसमें सर जो हम जो बात कर रहे हैं कि साल में एक बार दवा लेनी है या फिर जिनको फाइलेरिया हो जाता है वो जब दवा लेते हैं तो उनको फिर कितने दिनों तक दवा लेना पड़ता है ताकि वो पूर्ण रूप से फाइलेरिया से मुक्त हो जाए? देखिए, इसका जो एडल्ट वर्म जो है जो लिम्फ नोड में रहता है उसकी इसी जीवन अवधि जो 5 वर्ष की होती है, तो 5 वर्ष तक साल में एक बार दवा ले लेने से एडल्ट वर्म जो है उसके प्रजनन की क्षमता प्रभावित होती है और वो माइक्रोफाइलेरिया पैदा नहीं कर पाता। तो 5 वर्ष तक साल में एक बार करके यदि वो दवा लेते रहेंगे तो एडल्ट वर्म अपने बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा, जिससे बीमारी का प्रसरण नहीं होगा, और 5 साल में माइक्रोफाइलेरिया पैदा नहीं हो तो आपके शरीर के लिम्फेटिक सिस्टम को डैमेज नहीं करेंगे तो बीमारी होने की संभावना नहीं रहेगी। इसलिए 5 साल तक लगातार इलाज करना है और बीच बीच में जांच करवा के देखना है, जिसको हम लोग नाइट ब्लड सर्वे कहते हैं, जो इस बीमारी के निदान के लिए सबसे अहम पहलू है। तो वो करने से पता चलेगा कि अभी तक आपके शरीर में जो एडल्ट वर्म है वो एक्टिव है या नहीं है, जी जी जी, वो बच्चे पैदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब तक वो बच्चे पैदा कर रहा है तभी तक आपके लिम्फेटिक सिस्टम के डैमेज होने की संभावना बनी रहती है। तो इसके लिए नाइट ब्लड सर्वे के दौरान अपना सैंपल दे करके जाँच करवाएँ, जब वो नहीं आता है तो उसके बाद फिर दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। सामान्यतः ये 5 से 6 वर्षों में एडल्ट वर्म मर जाता है, पूर्ण रूप से लगातार लेकिन दवा लेने की जरूरत है। अगर बीच में दवा अगर छोड़ते हैं तो फिर वही फिर से होने के चांसेस इस पे होते हैं। कई बार लोगों का ये सोचना होता है कि हमें फाइलेरिया नहीं है तो हम दवा क्यों खाएं, जैसा कि आपने अभी कहा बिल्कुल। तो बस उन्हें ये जानना है कि फाइलेरिया नहीं है तो आगे फाइलेरिया हो भी नहीं, इसलिए दवा खाना है। और हमें कई बार पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर फाइलेरिया के कीटाणु हैं या नहीं है, तो बिल्कुल स्वस्थ हैं और अपना काम कर रहे हैं, दिनचर्या मेरी चल रही है। तो इसमें हम ये तय नहीं कर सकते हैं कि हमें फाइलेरिया है या नहीं, आगे भी ना हो इसका संक्रमण, ये हमें ज़रूर तय करना है दवा खा के। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि ये फाइलेरिया का संक्रमण जो है ना वो बचपन में ही हो जाता है, जैसा कि 10 से 12-15 वर्ष भी लग जाते हैं इसके पूरे लक्षण आने में। तो बचपन में अगर ये फाइलेरिया का संक्रमण बच्चों में हो गया, 5 से 7 वर्ष के बच्चों में अगर ये हो गया या उससे भी कम उम्र में, जब वो बड़े होते हैं तो संक्रमण दिखाई देने लगता है और इस तरह से उनका भविष्य पूरी तरह अंधेरे में चला जाता है। बिल्कुल, जिसके ऊपर आपका पूरा दारोमदार है, पारिवारिक है या फिर कह लें कि समाज का है या देश का है, वो बच्चे इस तरह विकलांग होंगे तो फिर वो कहाँ जाएगा, बिल्कुल भविष्य हमारा फिर गड़बड़ा जा सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन बातों का ख्याल रखें। अगर सर बहुत सारे अभियान चलाए जा रहे हैं, कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लगातार प्रयास हो रहे हैं, हम भी बार बार अपील कर रहे हैं, तो अगर स्थिति की बात करें, क्या सुधार आया है पहले से, कैसी स्थिति है अभी हमारे झारखंड में? शुरुआत में काफ़ी कम लोग दवा खाते थे और लोगों के मन में बहुत सारी गलत धारणाएँ थी, इस कार्यक्रम को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियाँ थी। हम लोग जागरूकता अभियान चलाते हैं, IPC करते हैं, प्रचार माध्यमों का, मास कम्युनिकेशन का हो, इंडिविजुअल कम्युनिकेशन का हो, ये सारे मीन्स अपनाते हैं और जो भी संभावित प्रश्न होते हैं उसका वैज्ञानिक तरीके से हम लोग जवाब देने का प्रयास करते हैं ताकि उनकी शंका का निवारण हो सके। ये दवा खाना सबके लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि प्राइमरी स्टेज और जब भी विरूपता आती है इसके दौरान में आदमी प्रयास स्वस्थ रहता है और उसके शरीर में माइक्रोफाइलेरिया के कीड़े रहते हैं, माइक्रोफाइलेरिया कीड़े रहते हैं, तो स्वस्थ व्यक्ति है तो उसको लगेगा कि मैं तो स्वस्थ हूँ, मैं क्यों दवा खाऊं? लेकिन वास्तव में उनके शरीर में इन्फेक्शन है और माइक्रोफाइलेरिया भी है, तो वो दवा खाएंगे तो एक तो वो बीमारी का प्रसरण नहीं होगा और वो भी कॉम्प्लिकेशन से बचे रहेंगे, जो विरूपता होती है उससे बचे रहेंगे। इसलिए यदि आप स्वस्थ भी हैं फिर भी इस कार्यक्रम के सफल होने के लिए ज़रूरी है कि आप दवा ज़रूर लें
और अपने साथ साथ आपके आसपास जो भी पड़ोसी हैं या जो भी आपके जान पहचान हैं के हैं, सभी को बताएं कि नहीं ये दवा लेना क्यों ज़रूरी है। बिल्कुल। और यदि उसके बाद भी यदि कोई दिक्कत है या कोई गलतफहमी रहती है तो हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं और आप किसी भी स्वास्थ्यकर्मी से इसके बारे में बात करके अपनी शंका का निवारण कर सकते हैं, लेकिन दवा अवश्य खाएं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात सर आपने कही है। तो नीलम, बहुत कम समय रह गया है, एक मिनट का समय है, तो चलते चलते आप भी अगर कुछ कह दें। हम अपने दर्शकों से ये आग्रह करेंगे कि 10 से 25 फरवरी के बीच फाइलेरिया रोधी दवा ज़रूर खाएं और फाइलेरिया से मुक्ति पाएं और 5 वर्षों तक इसका सेवन ज़रूर करें। और ये जो क्यूलेक्स नामक मच्छर हैं फाइलेरिया फैलाने के लिए जो ज़िम्मेदार हैं, वो गंदे पानी के जल जमाव में ही रहते हैं। जमाव जहाँ रहता है गंदे पानी का, वहाँ वो पनपते हैं। तो कहीं भी जल जमाव ना होने दें और हमेशा मच्छरदानी का प्रयोग करें। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग ज़रूर करें और दवा ज़रूर खाएं और अपना ध्यान रखें और पूरी तरह स्वस्थ रहें। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि एक तो पहली बात है कि मच्छरों से हमें बचना है, मच्छरों को पनपने से रोकना है, और अगर मच्छर काट भी ले तो फिर जैसे ही लक्षण दिखाई देता है या आपको लगता है कि मच्छरों ने काटा है तो तुरंत एक बार जाकर अपनी जाँच करा लें। खून की जाँच से पता चल जाएगा कि आपको मलेरिया है या फाइलेरिया है या और कुछ भी है। और हर जगह हर सुविधा है और ये कार्यक्रम लगातार चलाए जा रहे हैं, तो आप इसका बिल्कुल लाभ उठाएँगे। तो सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया है, अपनी बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। और नीलम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।